अफ्रीका के गांव में एक हाफिज नाम का एक किसान रहता था। वो किसान अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था और इसीलिए वो खुश रहता था, और क्योंकि वो खुश रहता था इसीलिए वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा संतुष्ट था। एक बार एक मुसाफिर उसके घर की तरफ से निकलता है और वो कहता है हाफिज से, क्या आज रात मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? हाफिज उस मुसाफिर को अपने घर में पना देता है, उसकी बहुत खातिरदारी करता है, और जब वो मुसाफिर जा रहा होता है तो वो हाफिज का शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपनी जिंदगी में एक रिसर्च के बारे में बताता है कि वो पूरी जिंदगी एक पत्थर के ऊपर रिसर्च कर रहा है जिसे हीरा बोलते हैं। वो हाफिज को बताता है कि अगर हाफिज तुझे एक अंगूठे जितना हीरा मिल गया तो तू एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर तुझे एक मुट्ठी जितना हीरा मिल गया तो तू एक पूरा देश खरीद सकता है। उस रात जब वो मुसाफिर चला जाता है, हाफिज को नींद नहीं आती। अब वो खुश नहीं होता क्योंकि उसकी संतुष्टि उड़ चुकी होती है, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता अपनी लाइफ से। अब वो चाहता है कि उसे हीरे मिल जाए और वो बहुत अमीर बन जाए। तो हाफिज क्या करता है, अपना सारा घर बार, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी फील्ड, अपने सारे खेत बेच के हीरो की खोज में निकल जाता है। वो अफ्रीका से यूरोप तक का सफर तय करता है और पूरे सफर में उसे एक भी हीरा नहीं मिलता। अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल आखिरी में वो स्पेन पहुंचता है और इतना निराश हो जाता है, इतना मायूस हो जाता है कि वो डिसाइड करता है कि मुझे और नहीं जीना, और बार्सिलोना नदी में कूद के सुसाइड कर लेता है। जब वो सुसाइड कर लेता है, ये खबर उसके घर तक पहुंचती है। उस इंसान ने, जिस इंसान ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी खरीदी होती है, उसे भी ये खबर मिल जाती है। एक रोज वो इंसान अपनी कैटल को घास चरवाने के लिए उसकी फील्ड में लेके जाता है। उसकी फील्ड से एक छोटी सी नहर निकलती है। जब वो इंसान वहां से गुजर रहा होता है, वो नदी में कुछ चमकते हुए पत्थर देखता है। वो कुछ पत्थरों को उठा लेता है और घर पर ले आके एक शेल्फ पर रख देता है। उस मुसाफिर ने, जिसने हाफिज को हीरो के बारे में बताया था, वो वापस अपनी राह से निकलते हुए हाफिज के घर पर आता है और खटखटा के पूछता है, क्या मैं हाफिज से मिल सकता हूँ? वो इंसान जिसने वो घर खरीदा था, वो मुसाफिर को बताता है कि हाफिज तो कई साल पहले निकल गया था हीरो की तलाश में, और उसने फाइनली एक नदी में कूद के खुदकुशी कर ली है। तो ये सुन के वो मुसाफिर को बहुत बुरा लगता है। अब अचानक से उस मुसाफिर की नजरें उस शेल्फ पे पड़े पत्थरों की तरफ जाती है। उस पत्थर को देखते हुए उस इंसान से वो पूछता है, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिले? वो कहता है, वो पीछे नहर है और बहुत सारे वहां पे ऐसे पत्थर। वो एक पत्थर को उठाता है और कहता है, ये तो हीरा है, ये तुम्हें कहां से मिला? तो कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, हीरा थोड़ी हो सकता है, इतने सारे पत्थर पीछे नहर में। वो मुसाफिर उस हीरे को टेस्ट कराने के लिए एक ज्वेलर्स पे देता है, और ज्वेलर ये सर्टिफाई करता है कि हाँ, ये एक्चुअल में एक हीरा ही है। और पता लगता है कि हाफिज के घर में एकड़ के अंदर हीरे ही हीरे हैं, और उसके बारे में हाफिज को कभी पता ही नहीं। वो बेचारा तो ये सोचकर घर से निकल गया कि उसे हीरे कहीं और मिलेंगे। ऐसा होता है ना हमारी जिंदगी में भी, कि हमें हमेशा ग्रास दूसरी जगह पे ज्यादा ग्रीन दिखती है, हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली आपको भी अपने अंदर झांकना शुरू करना है कि आपके पास क्या क्या है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आपको बाहर देखना बंद करना है कि लोगों के पास क्या क्या है। आपको अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहना है, आपको खुश रहना है, और अल्टीमेटली अपना पोटेंशियल रियलाइज करना है। हो सकता है आपके अंदर भी बहुत सारे हीरे दबे पड़े हो, बहुत सारी ऐसी पावर्स, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हो आपके पास जिसके बारे में आज आपको कोई अनुमान नहीं। डिस्कवर दोज हिडन पोटेंशियल, हिडन गिफ्ट्स इनसाइड यू। क्या है आपके पास ऐसा जो भगवान ने आपको देकर भेजा है? उसे ढूंढना शुरू करो और शुक्र मनाइए कि भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है। और फाइनली इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए कि वो लोग भी अपनी जिंदगी में खुश रहें, संतुष्ट रहें, और हीरो को कहीं और जाके ना ढूंढें, अपने अंदर उन्हें ढूंढना शुरू करें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्कर राजशागर है, और मेरा ये अल्टीमेट मोटिव है कि मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पाऊं कि वो लोग भी जितनी बार भी मेरी वीडियो देखें मोटिवेट हो जाएं, एक्शन मोड के अंदर आ जाएं। अगर आप भी कभी भी मेरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिए कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें जो इस चैनल पर अपलोड होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।